हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, इंडियन आइडल का प्रोमो आ चुका है, आप सभी को पता है, और आप लोग एक एक करके ऑडिशन दे रहे हैं। लेकिन लोगों का इस बारे में, सीजन 14 के बारे में क्या रिएक्शन है, चलिए हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि आप लोग भी फैमिली मेम्बर की तरह हैं और आप लोग भी ऑडिशन देते हैं, मेहनत करके जाते हैं ऑडिशन देते हैं, बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और वो क्या करते हैं कि जो पहले से वायरल रहता है, पॉपुलर रहता है, उन लोग को ले लिया जाता है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोमो जो आया है, प्रोमो में कमेंट आप लोग देखिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा भरा हुआ है कि आप लोग जो वायरल होते हैं, पहले जीतते आ रहे हैं शो में, वो इसी को ले लेते हैं, हम लोग को मौका कब मिलेगा, हम लोग को कब मौका दिया जाएगा, इस तरह का कमेंट बहुत सारा देखने को मिला है दोस्तों। और बहुत से ऐसे नेगेटिव कमेंट देखने को मिला है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि इस तरह से होता है, फिर भी आप ऑडिशन देते हैं दोस्तों, ऑडिशन देते हैं ना, तो इसके बारे में ही बात करेंगे कि आप लोग ऑडिशन देते हैं तो आपका क्या फ़ायदा होता है इसमें। आप लोग किसी का तो सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा होता है, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग इतना खर्चा करके जाते हैं, उतना मेहनत के साथ जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, फ़ायदा बिल्कुल होता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कुछ भी नहीं आपको मिलता है, लोगों को ही लिया जाता है, इस तरह का सब लोगों का सोचना है दोस्तों, सब लोगों का कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात आप लोग को कहना चाहता हूँ, आप लोग सरेगामापा का ऑडिशन देते हैं, इंडियन आइडल का ऑडिशन देते हैं, उसमें आप लोग का फ़ायदा, चलिए मैं फ़ायदे के बारे में बात करता हूँ। जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो आपका वहाँ पे क्या होता है कि आपको वहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है दोस्तों, कि हम लोग को आखिरकार कितना मेहनत करना चाहिए, ठीक है, वो मेहनत, खास एप्रोप्रिएट मेहनत पता चल जाता है कि लोग, एक चीज़ तो ये है कि आपको उन सिंगरों से मिलने का मौका मिलता है जो कि आप कभी मिले नहीं हैं, मिले नहीं हैं मतलब जो 15 साल 20 साल से सीख रहे हैं, उनसे आप लोगों को मिलने का मौका मिलता है, उनसे आप लोगों का राय जानने का मौका मिलता है, उनसे बातचीत करते हैं, बहुत सारा ऐसा होता है, फ्रेंड सर्कल बन जाता है आपका, उनसे कॉन्टैक्ट हो जाता है, चाहे आपका दूसरा सिटी से आ रहे हैं तो दूसरा सिटी से कॉन्टैक्ट बन जा रहा है, मतलब आप लोग सोचिए, एक तो कॉन्टैक्ट आपका बढ़ रहा है, और कांटेक्ट बढ़ने से आप सभी को पता है कि कांटेक्ट बढ़ने से वो अगर कुछ हो जाता है तो आपको भी उसमें फ़ायदा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से कुछ आप लोगों को प्रॉफिटेबल होता है। और अगर बात किया जाए ब्लॉगिंग का, ठीक है, अगर आपका ब्लॉग चैनल है तो ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें आप लोगों का फ़ायदा हो जाता है, और आपका और भी फ़ायदा होता है, जैसे कि आप लोग वहाँ पे जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ से मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ से मिल के आते हैं, जैसे कि आदित्य नारायण हो गया, सचिन कुमार वाल्मीकि सर हो गया, इतने लोगों के साथ मिलने से मतलब आप लोग का एनर्जी लेवल जो है बढ़ जाता है, चाहे सिलेक्शन हो या फिर ना हो, आपका जो एनर्जी लेवल है बढ़ जाता है। और रही बात वायरल लोगों को ही क्यों लिया जाता है, देखिए बहुत किसी का ये कहना है, लेकिन मेरा अगर कहना है, देखिए वायरल इसलिए लिया जाता है ताकि कन्फर्मेशन हो, ये मतलब क्या होता है ना कि उन जो नया सिंगर को लाएगा उसको सिखाना पड़ेगा, बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा उसके पीछे, तभी जाके कुछ होगा, टीवी में शूट किया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। ऑडिशन जो उन लोग को शो शूट करते हैं, शूट में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को, तो उसी बीच आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है गाना, तो इसीलिए जो है कैपेबल सिंगर होता है, जो एबिलिटी होता है जिसमें, उसको लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होता है दोस्तों, क्योंकि टीवी शूटिंग में बहुत कोई आपके पीछे मतलब पीछे काम करते हैं, मतलब बहुत कोई आपके पीछे लगा होता है, ठीक है। आप अगर सिंगिंग करेंगे तो शूटिंग में, एक्टिंग में, कोरियोग्राफर, मेकिंग, जितना कुछ भी बोलिए, मेकर्स बोलिए, जजेस बोलिए, जितने भी हैं सब आपको आपके लिए रहते हैं, ठीक है, आपका शूटिंग होता है, तो उसमें अगर आप लोग खरा नहीं उतरेंगे, आपको नया सिंगर को ले लिया जाएगा, उसको कुछ पता नहीं रहता है, तो उसमें वो लोग का दिक्कत होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इस तरह का होता है दोस्तों। और मेन चीज़ है दोस्तों, आप सभी को पता है कि टीआरपी तो ज़रूरत होता ही है टीवी में, तो इसीलिए इस वजह से इस तरह का होता है। और ऐसा बात नहीं है कि नहीं ही लिया जाता है, लिया जाता है, जिसमें अच्छा टैलेंट होता है, सब कुछ किसी सब चीज़ का नॉलेज होता है, तो उसको 100% लिया जाता है। और आप लोग का सिलेक्शन नहीं होता है तो आप लोग को मायूस नहीं होना है, उसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है वहाँ से आके, फिर आप लोग कुछ ना कुछ करते हैं लाइफ में,
तो यही छोटा सा अपडेट, मतलब अपडेट नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा आप लोग को जानकारी देना था कि इस तरह से रिव्यू आ रहा है इंडियन आइडल के बारे में, सीज़न 14 के बारे में। और भी अगर इससे रिलेटेड जानकारी मिलती है तो मैं आप लोग को डेफिनेटली बताऊंगा, और किस तरह का कमेंट आ रहा है, रिव्यू आ रहा है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।